आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज सिकंदरा कानपुर देहात के थाना सिकंदरा में आगामी मोहर्रम के त्यौहार को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना सिकंदरा में उप जिलाधिकारी श्याम नारायण शुक्ला एवं क्षेत्राधिकारी सिकंदरा संजय वर्मा एवं अधिशासी अधिकारी सिकंदरा शालिनी त्रिपाठी की मौजूदगी में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में नगर व क्षेत्र के संभ्रांत लोगों से क्षेत्राधिकारी ने कहा कि कोई समस्या हो तो आप लोग बेझिझक बता सकते हो और आने वाले मोहर्रम के त्यौहार में सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें और अच्छी तरीके से मोहर्रम का त्यौहार मनाएं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें और सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। वहीं नगर और क्षेत्र से आए हुए संभ्रांत लोगों में परवेज आलम व सभी ताजियादारों ने दोनों ही अधिकारियों के सामने ताजिए के रूट को लेकर शिकायत की। उन्होंने बताया कि शास्त्री नगर में रईस अंसारी पुत्र स्वर्गीय नजीर अंसारी के द्वारा रोड तक अतिक्रमण किया गया है जिसको लेकर वहां पर ताजिया निकालने में भारी समस्या बन जाती है, इसलिए इस वर्ष के गए आक्रमण को शीघ्र हटाया जाए जिससे ताजिया निकालने में किसी प्रकार की समस्या ना पैदा हो। वही थाना प्रभारी सिकंदरा महेश कुमार का कहना है कि आगामी त्यौहार में किसी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसलिए अराजक तत्वों पर विशेष ध्यान रखें और जरा सी भी आपको लगे कि किसी भी जगह अराजक तत्व द्वारा शांति भंग करने का प्रयास या माहौल को खराब किया जा रहा है तो तत्काल प्रभाव से संपर्क करें और आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। इस दौरान खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।